हेलो फ्रेंड्स, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नौकरी 24 में। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे, बहुत अच्छे होंगे, और आपकी तैयारी, आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। हमारे करंट अफेयर हम पढ़ रहे हैं और इसकी एक वीडियो हम पहले दे चुके हैं और दूसरी वीडियो आज लेकर आए हैं। पहली वीडियो हमने 25 सवाल किए थे और आज दूसरी वीडियो हम 26वें सवाल से शुरू करेंगे, ठीक है। चलिए, तो हमारा 26वां सवाल है, महाराष्ट्र सरकार ने किस शहर में राजीव गांधी के नाम पर साइंस सिटी, कौन सी सिटी, साइंस सिटी, हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नौकरी 24 में। तो यहां हम करंट अफेयर पढ़ रहे हैं। आपने, उम्मीद करता हूं, पहली वीडियो हमारी देख ली होगी जिसमें हमने 25 सवाल आपको करंट अफेयर के कराए, और ये दूसरी वीडियो है, 25 सवाल से आगे हम करेंगे, मतलब 26वें सवाल से हम शुरुआत करेंगे, ठीक है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और करंट अफेयर पढ़ना चाहते हैं तो मैं कहना कहूंगा कि इस वीडियो को देखने से पहले हमारी पहली वीडियो जरूर देखें, ठीक है। चलिए, 26वां सवाल हमारा है कि महाराष्ट्र सरकार ने किस शहर में राजीव गांधी के नाम पर साइंस सिटी स्थापित करने की घोषणा की है, कौन सी सिटी है, साइंस सिटी स्थापित करने की घोषणा की है। पहला ऑप्शन है मुंबई, दूसरा है पुणे, तीसरा है नासिक और चौथा है नागपुर। बताइए क्या है इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर है पुणे। कौन सा राइट आंसर है? राइट आंसर है इसका पुणे, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है हमारा सवाल नंबर 27। 27वां सवाल, किसने डिजिटल स्किलिंग प्रोग्राम स्प्रिंग बोर्ड, कौन सा, स्प्रिंग बोर्ड, जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्प्रिंग बोर्ड, किसने डिजिटल स्किलिंग प्रोग्राम स्प्रिंग बोर्ड लॉन्च किया, किसने किया। पहला ऑप्शन है इंफोसिस, दूसरा है जावा, तीसरा है गूगल और चौथा है माइक्रोसॉफ्ट। बताइए इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर एक, इंफोसिस, ठीक है। इंफोसिस की स्थापना कब हुई? 1981 में हुई। कब हुई इंफोसिस की स्थापना? 1981 में, ठीक। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? इसका हेडक्वार्टर है कहां पर? बेंगलोर में। कहां पर? बेंगलोर में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। चलिए सवाल अगले सवाल तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 28, किस राज्य सरकार ने योद्धा बने अभियान शुरू किया है, कौन सा अभियान शुरू किया है, योद्धा बने अभियान किस राज्य सरकार ने शुरू किया है। पहला ऑप्शन है केरल, दूसरा है बिहार, तीसरा है यूपी, चौथा है दिल्ली। बताइए राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर क्या है बताइए? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केरल। कौन सा है? केरल। केरल की स्थापना कब हुई है? 1956 में इसकी स्थापना हुई केरल की, ठीक है। केरल राज्य कब बना? 1956 में बना, ठीक है। इसके अगर मैं सीएम का नाम पूछूं तो सीएम का नाम क्या है इसका, बताएगा? सीएम का नाम है पी विजयन। क्या नाम है? पी विजयन, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 29,
सवाल नंबर 29 है, किस मंत्रालय द्वारा वाइब ब्रेक या योग ब्रेक, क्या चीज, वाइब ब्रेक या योग ब्रेक ऐप लॉन्च किया है, किस मंत्रालय ने किया है वाइब ब्रेक या योग ब्रेक ऐप लॉन्च। पहला है ऑप्शन आयुष मंत्रालय, दूसरा स्वास्थ्य मंत्रालय, तीसरा कृषि मंत्रालय, चौथा रेल मंत्रालय। बताइए कौन सा इसका सही आंसर है, बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका है आयुष मंत्रालय। आयुष मंत्रालय के द्वारा वाइब ब्रेक या योग ब्रेक ऐप लॉन्च किया गया है, ठीक है। चलिए, तो आयुष मंत्रालय के मंत्री कौन है, आयुष मंत्रालय के मंत्री का नाम बताइए, सर्वानंद सोनेवाल, ठीक है। क्या नाम है, सर्वानंद सोनेवाल, ये आयुष मंत्री हैं, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं, सवाल नंबर 30। सवाल नंबर 30 है, किस राज्य में कार्बी आंगलोक समझौता हुआ, क्या हुआ है, कार्बी आंगलोक समझौता, किस राज्य में कार्बी आंगलोक समझौता हुआ है, ठीक है। ये किस किस के बीच हुआ है, ये एक राज्य है जहां की एक आबादी है उसके बीच और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच ये समझौता हुआ है। तो कौन सा है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए असम, दूसरा नागालैंड, तीसरा मणिपुर और चौथा गोवा। बताइए इसका राइट आंसर क्या है, तो इसका राइट आंसर ए असम है, क्या है, असम, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा बता दूं कि कार्बी एक वहां की कार्बी जो है वो असम की एक जनजाति है, एक क्षेत्र है। तो वहां के 5 समूह है जो वहां आंदोलन कर रहे थे, तो उनके बीच और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच समझौता हुआ है। इनकी मांग क्या थी, इनकी मांग ये थी, जो कार्बी वाले हैं इनकी मांग थी कि कार्बी भाषा जोड़े, किसमें जोड़े, 8वीं अनुसूची में, 8वीं अनुसूची में कार्बी भाषा को जोड़ा जाए और प्लस 1500 करोड़ रुपए का बजट, मतलब इसमें बजट में 1500 करोड़ का अलग से प्रावधान हो हमारे लिए। तो इनकी ये मांग चल रही थी, इसमें समझौता हुआ है, ठीक है। किसके बीच हुआ है, कार्बी आंगलोक समझौता, कार्बी समूह है और सेंट्रल गवर्नमेंट के, ठीक है। चलिए अगले चलते हैं सवाल नंबर 31 की तरफ। सवाल नंबर 31 है, असम के किस वन्य जीव अभ्यारण्य के क्षेत्र को, क्या है, असम के किस वन्य जीव अभ्यारण क्षेत्र को पर्यावरण के प्रति संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया है। दोबारा पढ़े सवाल, असम के किस वन्य जीव अभ्यारण्य के क्षेत्र को पर्यावरण के प्रति, किसके प्रति, पर्यावरण के प्रति संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया है, ठीक है। पहला है दीपोर वील वन्यजीव अभ्यारण, दूसरा है कैमूर वन्यजीव अभ्यारण, तीसरा है गिर वन्यजीव अभ्यारण और चौथा है कार्बेट वन्यजीव अभ्यारण। तो इसका राइट आंसर क्या है, 31 नंबर सवाल, तो इसका है ऑप्शन नंबर ए दीपोर वील वन्यजीव अभ्यारण। कहां पर है ये, असम में है, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर एक इसका राइट आंसर है। चलते सवाल नंबर 32 की तरफ। सवाल नंबर 32 है, भारत और अल्जीरिया के मध्य है, किसके मध्य है, भारत और अल्जीरिया के मध्य है आयोजित पहले नौसैनिक अभ्यास, कौन सा, पहले नौसैनिक अभ्यास में भारत के किस जहाज ने भाग लिया। तो पहला आंसर है, पहला ऑप्शन है आपका INS तबर, दूसरा ऑप्शन है INS टोंग, तीसरा ऑप्शन है PRS रफ्ता और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए राइट आंसर क्या है इसका, सवाल नंबर 32 का, तो इसका राइट आंसर है INS तबर, क्या है, INS तबर, ये आपका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं, सवाल नंबर 33।
सवाल नंबर 33 है, चीन, पाकिस्तान, थाईलैंड और कौन सा देश मिलकर साझा भाग्य 2021 सैन्य अभ्यास शुरू किया? कौन सा है एक बार फिर देख लेते हैं, साझा भाग्य 2021 सैन्य अभ्यास शुरू किया किस किस ने करा है? चीन, पाकिस्तान, थाईलैंड और कौन सा देश? एक देश और है चीन, पाकिस्तान, थाईलैंड के अलावा, तो वो कौन सा है? ऑप्शन है मंगोलिया, दूसरा है रूस, तीसरा है जापान, चौथा है दक्षिण कोरिया। बताइए राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका भी राइट आंसर विकल्प ए है हमारा, ठीक है। कौन सा है? विकल्प ए, ठीक है, ये विकल्प ए आपका राइट आंसर है इसका, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं, सवाल नंबर 34। सवाल नंबर 34 आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, सवाल पढ़े। सवाल नंबर 34 है, आईटीबीपी टीम ने किस राज्य में, आईटीबीपी की एक टीम है उसने किस राज्य में माउंट बलबाला, कौन सा है, माउंट बलबाला पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है? माउंट बलबाला पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है, सवाल नंबर 34 बताए। माउंट बलबाला कहां है? माउंट बलबाला कहां है बताइए? तो माउंट बलबाला है यूके, यूके से मतलब इंग्लैंड नहीं, उत्तराखंड। माउंट बलबाला है उत्तराखंड में, ठीक है। चलिए 34वां सवाल है, तो इसका राइट आंसर क्या है? पहला ऑप्शन है राजस्थान, दूसरा है दिल्ली, तीसरा है उत्तराखंड और चौथा है पंजाब। तो राइट आंसर बताएं इसका, इसका राइट आंसर क्या हुआ? इसका राइट आंसर है उत्तराखंड। कौन सा राइट आंसर है इसका? राइट आंसर है उत्तराखंड, ठीक है। उत्तराखंड की स्थापना कब हुई है? उत्तराखंड की स्थापना हुई है कब बताएं? कब हुई है उत्तराखंड की स्थापना? उत्तराखंड की स्थापना हुई है 9 नवंबर 2000 को। कब हुई है? 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड की स्थापना हुई है। जब इसकी स्थापना हुई थी तो यह 27वां राज्य बना भारत का। कौन सा राज्य बना? 27वें नंबर का राज्य बना। अगर मैं इसके सीएम की पूछता हूं कि सीएम कौन है, तो इसके सीएम है उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी। क्या नाम है सीएम का? पुष्कर सिंह धामी, ठीक है। इसका पुराना नाम क्या है उत्तराखंड का बताएं? तो उत्तराखंड का पुराना नाम क्या है, कुछ पता है आपको? उत्तराखंड का पुराना नाम है उत्तरांचल। कब तक रहा है उत्तरांचल नाम? ये रहा है आपका 2007 तक। 2007 में उत्तराखंड इसको नाम दिया गया, ठीक है। चलिए आगे सवाल चलते हैं, सवाल नंबर 35 की तरफ। सवाल नंबर 35 हमारा, प्लास्टिक समझौता शुरू करने वाला पहला एशियाई देश कौन बना है? कौन सा समझौता शुरू करने वाला? प्लास्टिक समझौता शुरू करने वाला पहला एशियाई देश कौन बना है? तो आपके पास विकल्प है, पहला भारत, दूसरा पाकिस्तान, तीसरा बांग्लादेश और चौथा अफगानिस्तान। तो बताइए कौन सा बना है? तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ए, भारत बना है। क्या बना है? प्लास्टिक समझौता करने वाला पहला देश बना है। कहां पर? किस कौन से उसकी बात कर रहा है? एशिया का पहला देश प्लास्टिक समझौता करने वाला, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, सवाल नंबर कौन सा है? 36 की तरफ। सवाल नंबर 36 क्या है हमारा? सवाल नंबर 36 है हमारा, लवलीना बारगोहेन किस राज्य के समर्ग शिक्षा अभियान की ब्रांड एम्बेसडर बनी है? कौन बनी है? लवलीना बारगोहेन। लवलीना बारगोहेन के बारे में आप जानते हो क्या? कौन है ये? ये इंडियन बॉक्सर हैं। लवलीना बारगोहेन इंडियन बॉक्सर हैं। तो इनके बारे में बताएं कि किस राज्य के समर्ग शिक्षा अभियान, कौन सा अभियान? समर्ग शिक्षा अभियान की ब्रांड एम्बेसडर बनी है। तो कौन सा राज्य है वो? पहला ऑप्शन असम, दूसरा है गोवा, तीसरा है दिल्ली और चौथा है मेघालय। तो कहां की बनी है? ऑप्शन राइट ए, असम की ब्रांड एम्बेसडर बनी है, ठीक है। चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 37। सवाल नंबर 37 है, सितंबर 2021 के घोषणानुसार,
कहां के वीलो क्रिकेट बैट को भौगोलिक संकेत जीआई टैग दिया गया है? किसको दिया गया है? वीलो क्रिकेट बैट को, वीलो क्रिकेट बैट को जीआई टैग में शामिल किया गया है। तो वो कौन सा राज्य है? पहला है कश्मीर, दूसरा ऑप्शन केरल, तीसरा है असम और चौथा है गुजरात। बताए कौन सा है इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका भी राइट आंसर विकल्प ए है, कश्मीर है। ठीक है, चलिए अगला सवाल नंबर 38। सवाल नंबर 38 पढ़ें। सवाल नंबर 38 है, किस देश की निर्माण फर्म ने, किस देश की निर्माण फर्म ने फूलों की खुशबू वाला, क्या चीज? फूलों की खुशबू वाला डामर बनाया है। क्या चीज? फूलों की खुशबू वाला डामर बनाया है किस देश में? पहला ऑप्शन पोलैंड, दूसरा है फिनलैंड, तीसरा है जर्मनी और चौथा है अमेरिका। बताइए कौन सा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर है विकल्प है पोलैंड। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर हमारा 39। सवाल नंबर 39 है कि राज्य के मुख्यमंत्री ने, मतलब किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गोटू हिल्स, क्या है? गोटू हिल्स 2.0, गोटू हिल्स 2.0 आउटरीच अभियान। कौन सा अभियान है? गोटू हिल्स 2.0 आउटरीच अभियान शुरू किया है। कौन सा राज्य के मुख्यमंत्री है? पहला है बंगाल, दूसरा है मणिपुर, तीसरा है केरल, चौथा है हरियाणा। राइट आंसर बताएं, राइट आंसर क्या है इसका? इसका राइट आंसर है विकल्प नंबर दो, मणिपुर। मणिपुर के सीएम ने, मणिपुर के मुख्यमंत्री ने गोटू हिल्स 2.0 आउटरीच अभियान शुरू किया है। ठीक है, चलिए सवाल नंबर कौन सा आता अब हमारा? सवाल नंबर 40। सवाल नंबर 40 क्या है, पढ़ें, स्क्रीन पे है कि किस देश में भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व स्थापित करने की घोषणा की है? कौन सा संरक्षण? डुगोंग संरक्षण रिजर्व स्थापित करने की घोषणा की गई है। तो पहला ऑप्शन है केरल, दूसरा है आंध्र प्रदेश, तीसरा है तमिलनाडु और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या है 40 का? 40 का राइट आंसर बताएं जल्दी। तो 40 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर 3, तमिलनाडु। तमिलनाडु में डुगोंग संरक्षण रिजर्व स्थापित करने की घोषणा की गई है। ठीक है, चलिए तमिलनाडु की राजधानी अगर आपसे पूछूं क्या है, तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। ठीक है, यहाँ के अगर मैं सीएम का नाम पूछूं अगर आपसे, तो इसका सीएम का नाम क्या है? सीएम का नाम है एमके स्टेलिन। क्या है? एमके स्टेलिन। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 41 की तरफ। सवाल नंबर 41 पढ़े। सवाल नंबर 41 है, भारत का पहला जैव ईंट आधारित भवन कहां में शुरू हुआ है? क्या है? भारत का पहला जैव ईंट रेत भवन, जैव ईंट आधारित भवन, सॉरी, भारत का पहला जैव ईंट आधारित भवन कहां शुरू हुआ है? पहला है ऑप्शन आईआईटी हैदराबाद, दूसरा है आईआईटी रोपड़, तीसरा है आईआईटी रुड़की और चौथा ऑप्शन है हमारा आईआईटी दिल्ली। तो बताएं कहां हुआ है? तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, आईआईटी हैदराबाद। क्या हुआ आईआईटी हैदराबाद में? भारत का पहला जियो ईंट आधारित भवन यहां शुरू हुआ है। कहां पर? आईआईटी हैदराबाद। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर 1। सवाल नंबर 42 की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 42 है हमारा, बिटकॉइन को राष्ट्रीय मुद्रा बनाने वाला पहला देश कौन बना है? किसको बनाने वाला? बिटकॉइन को राष्ट्रीय मुद्रा, क्या चीज? राष्ट्र की मुद्रा बनाने वाला पहला देश कौन बना है? ऑप्शन है नीदरलैंड, दूसरा है अल सल्वाडोर, तीसरा है ब्राजील और चौथा है रूस। तो इसका राइट आंसर बताएं, इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, अल सल्वाडोर। अल सल्वाडोर ने बिटकॉइन को अपनी राष्ट्रीय मुद्रा घोषित किया है। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर 2। तो सवाल नंबर 43 की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 43 है हमारा, स्क्रीन पर है, पढ़े।
के राज्य ने, मतलब किस राज्य ने वतन प्रेम योजना शुरू की है? कौन सी योजना शुरू की है? वतन प्रेम योजना शुरू की है। ऑप्शन एक गुजरात, दूसरा केरल, तीसरा पंजाब, चौथा कर्नाटक। तो बताएं राइट आंसर क्या है 43 का, 43 का राइट आंसर बताएं। 43 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर एक, गुजरात। गुजरात ने क्या योजना शुरू की है? वतन प्रेम योजना। वतन प्रेम योजना शुरू किया किसने? गुजरात ने। तो गुजरात की स्थापना बताएं, स्थापना दिवस, ठीक है, ईयर बताएं स्थापना के, कौन से साल में गुजरात की स्थापना हुई है? 1960 में गुजरात की स्थापना हुई है, ठीक है। इसकी अगर मैं सीएम के बारे में पूछता हूं, इसके मुख्यमंत्री कौन है गुजरात के? तो मुख्यमंत्री है भूपेंद्र भाई पटेल। कौन? भूपेंद्र भाई पटेल, ठीक है। चलिए, चलो एक चीज और जान लेते हैं इसकी। अगर मैं राज्यपाल की बात करता हूं, राज्यपाल किसके? राज्यपाल गुजरात के, कौन है? आचार्य देवव्रत, आचार्य देवव्रत, ठीक है, यहां के राज्यपाल है। चलिए सवाल नंबर 44, सवाल नंबर 44 है, आप देख रहे होंगे, कछुआ संरक्षण में, कछुआ संरक्षण में किस भारतीय जीव विज्ञानी ने, इस चीज में, कछुआ संरक्षण में ग्लोबल अवार्ड जीता है? कौन सा अवार्ड जीता है? ग्लोबल अवार्ड। किस चीज में? कछुआ संरक्षण में किस भारतीय जीव विज्ञानी ने? तो पहला ऑप्शन है आपका शैलेंद्र सिंह, दूसरा है गौरव सिंह, तीसरा है नितिन बाबोरा, चौथा है हरदीप सिंह। तो राइट आंसर बताएं 44 का, 44 का राइट आंसर क्या है? 44 का राइट आंसर है शैलेंद्र सिंह। कौन है? शैलेंद्र सिंह। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं, सवाल नंबर हमारा 45, सवाल नंबर 45 है हमारा, क्या है स्क्रीन पे पढ़ें, टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले, टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? कौन बने हैं टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? पहला है ऑप्शन यूजी चहल, दूसरा है जसप्रीत बुमराह, तीसरा है मोहम्मद शमी और चौथा है रविंद्र जडेजा। तो बताएं राइट आंसर क्या है इसका, इसका राइट आंसर बताएं। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर दो, जसप्रीत बुमराह बने हैं टेस्ट क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाले, मतलब सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज बने हैं। कौन? जसप्रीत बुमराह, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं हम, सवाल नंबर हमारा 46, सवाल नंबर 46 क्या है हमारा? सवाल नंबर 46 है, किसे सातवां यामीन हजारिका वुमेन ऑफ सब्सटेंस अवार्ड, कौन सा अवार्ड मिला है? सातवां कौन सा है? यामीन हजारिका, यामीन हजारिका वुमेन ऑफ सब्सटेंस अवार्ड मिला है, किसे मिला है? तो ऑप्शन है पहला नमिता गोखले, दूसरा है कैटरीना कैफ, तीसरा प्रीतम बंसल और चौथा है इनमें से कोई नहीं। एक बार सवाल फिर पढ़ें, किसे सातवां यामीन हजारिका वुमेन ऑफ सब्सटेंस अवार्ड मिला है? ऑप्शन है पहला नमिता गोखले, दूसरा है कैटरीना कैफ, तीसरा प्रीतम बंसल और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका 46वें का राइट आंसर बताएं, 46वें का राइट आंसर है नमिता गोखले। कौन सा है? नमिता गोखले राइट आंसर है, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 47 स्क्रीन पर आ चुका है कि 2021 के इंटरनेशनल यंग इको हीरो अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? कौन सा अवार्ड दिया गया है? अवार्ड है इको हीरो अवार्ड, कब मिला? 2021 में। सवाल दोबारा पढ़ें, 2021 के इंटरनेशनल यंग इको हीरो अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन पहला है अयान संगटा जो मुंबई के रहने वाले हैं, दूसरा है दिलशाद अहमद जो गुजरात के रहने वाले हैं, तीसरा है सचिन सिंह जो असम के रहने वाले हैं और चौथा है सोनू कुमार जो नागालैंड के रहने वाले हैं। तो बताएं राइट आंसर क्या है 47 का, 47 का राइट आंसर बताएं, 47 का राइट आंसर है अयान शंकटा, मुंबई के रहने वाले हैं, इन्हें 2021 में इंटरनेशनल यंग इको हीरो अवार्ड से सम्मानित किया गया है।
किसको किया गया है? अयान संकटा को। कहां के रहने वाले हैं? ये रहने वाले हैं मुंबई के। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 48। सवाल नंबर 48 आप देख रहे होंगे, स्क्रीन पर आ चुका है। सवाल नंबर 48 है हमारा, भारतीय सेना ने किस देश में आयोजित बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास, भारतीय सेना ने किस देश में आयोजित बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास, कौन सा अभ्यास है? ZAPAD, इसको हम जपाट बोल सकते हैं, 2021 में भाग लिया है। सवाल दोबारा पढ़े, भारतीय सेना ने किस देश में जपान 2021 बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास में भाग लिया है? ऑप्शन पहला कनाडा, दूसरा फ्रांस, तीसरा रूस, चौथा जर्मनी। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर बताएं, सवाल नंबर 48, सवाल नंबर 48 का राइट आंसर बताएं जल्दी। इसका राइट आंसर है रूस। रूस जपान 2021 में भाग लिया है, रूस में। ठीक है, किसने? भारतीय सेना ने। ठीक, सवाल नंबर 49, सवाल नंबर 49 क्या है जल्दी पढ़ें। सवाल नंबर 49 है, किस राज्य सरकार ने पेड़ों को बचाने के लिए, किस राज्य सरकार ने पेड़ों को बचाने के लिए प्राण वायु देवता पेंशन योजना शुरू की है? कौन सी योजना शुरू की है? योजना है प्राण वायु देवता पेंशन योजना। किस राज्य सरकार ने क्यों शुरू की है? पेड़ों को बचाने के लिए। पहला ऑप्शन है हरियाणा, दूसरा है पंजाब, तीसरा है दिल्ली, चौथा है असम। जल्दी बताएं कौन सा राइट आंसर है इसका, इसका राइट आंसर बताएं। तो इसका राइट आंसर क्या है हो सकता है आपके हिसाब से? देखो, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हरियाणा। ठीक है, हरियाणा सरकार ने पेड़ों को बचाने के लिए प्राण वायु देवता पेंशन योजना शुरू की है। ठीक है, हरियाणा की स्थापना कब हुई है बता सकते हो क्या? हरियाणा की स्थापना हुई है 1966 में। ठीक है, हरियाणा की राजधानी क्या है? हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। क्या है? चंडीगढ़ हरियाणा की राजधानी है। ठीक है, यहाँ के सीएम कौन है हरियाणा के? हरियाणा के सीएम है मनोहर लाल खट्टर। मनोहर लाल खट्टर यहाँ के सीएम है हरियाणा के। इसकी राजधानी है चंडीगढ़ और इसकी स्थापना कब हुई है हरियाणा की? 1966 में। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 50, सवाल नंबर 50 और लास्ट सवाल है हमारा आज की इस वीडियो का। तो सवाल नंबर 50 है, किस शहर में भारत का सबसे ऊंचा वायु शोधक यंत्र लगा है? किस शहर में भारत का सबसे ऊंचा, क्या चीज? भारत का सबसे ऊंचा वायु शोधक यंत्र लगा है, कहां पर लगा है? पहला ऑप्शन है कानपुर, दूसरा है इंदौर, तीसरा है चंडीगढ़, चौथा है भोपाल। जल्दी बताएं राइट आंसर क्या है इसका। तो इसका राइट आंसर हम बता देते हैं, इसका राइट आंसर क्या है बताइए। चलो आप बता दें, चंडीगढ़ इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो सवाल नंबर 50 हमारे हो चुके हैं, आज की वीडियो हम यही समाप्त करेंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इसको शेयर जरूर करें, क्योंकि आने वाले हर एग्जाम के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। या तो सीधे सीधे सवाल एग्जाम में देखने को मिलेंगे या फिर इसके आसपास कर मिलेंगे। अगर आपने इस वीडियो को देखा है, आपने समझा है, तो अगर इसके बराबर से अगर आसपास के कोई सवाल अगर एग्जाम में रखता है एग्जाम में, तो उसको आसानी से आप कैच कर सकते हो। ठीक है, चलिए हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।